तो अभी लेट अस डिस्कस स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्म होंगे, जैसे ये एक स्ट्रिंग वेव है, एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने एक इधर से एक वेव इसमें हमने प्रोपोगेट किया और दूसरा वेव इधर से। तो ये जो वेव है यहाँ पर, अगर इसका इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहां से जो इक्वेशन जा रहा है, यहां से जो वेव जा रहा है उसका इक्वेशन है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा। कैसे? वो हम लोग देखते हैं आगे, वो हमें इसके इक्वेशन से समझ में आएगा। ठीक है, वो हमें इसके इक्वेशन से समझ में आएगा। तो अभी जब ये दोनों मिलेंगे तो सुपर पोज करेंगे, सुपर इम्पोजिशन होगा। तो सुपर इम्पोजिशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो जरा अब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा ऐड करें, तो ये हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू वाई वन क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप a कॉमन ले लो, तो ये साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b होता है टू साइन a प्लस b बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ये प्लस ये ओमेगा टी कैंसिल होगा, तो 2 के एक्स बाई टू क्या होगा? के एक्स, तो 2 साइन के एक्स, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये होगा दिस माइनस दिस, के एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस टू ओमेगा टी इज एक्चुअली कॉस ऑफ टू ओमेगा टी, लेकिन डिवाइड बाई टू भी है तो टू टू कैंसिल, यानी ये सिर्फ आएगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आपको? ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हो गया है टू ए साइन के एक्स और आगे क्या है कॉस ओमेगा टी, टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अभी आप देखो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेव होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, राइट? तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। ठीक है, और दूसरा बात ये कि इट ऑल्सो सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। यहाँ पे देखो आप, ये जो इक्वेशन आ गया, दिस इज अ वेव इक्वेशन, राइट? बट इट इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो दैट विल कम टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, मैं इसको आर लिख देता हूँ, सो दिस बिकम्स आर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो आर है, ये आर क्या है? ये आर हमें ये बताता है कि अलग अलग x पे एम्पलीट्यूड अलग है। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं, ट्रैवलिंग वेव में एम्पलीट्यूड क्या है, हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, राइट? जैसे जैसे वेव आगे जाता है वैसे वैसे हर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचता है। वेव आगे जाता है तो हर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक उठता ही है, यानी हर पार्टिकल का जो एस एच एम का जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर है ए। लेकिन स्टैंडिंग वेव देखो, ये तो बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल लेंगे हम, अलग अलग एक्स, तो ये जो टोटल एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर है ये अलग अलग आने वाला है, यानी अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, अलग अलग जो पार्टिकल है उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? इसको जीरो से इक्वेट कर देते। तो अगर हमने इसको जीरो से इक्वेट किया, यानी 2a sin kx इक्वल टू जीरो किया, तो ये तो उधर का जीरो हो गया, ये हो गया sin kx। अभी sin जीरो कब होता है? जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, यानी ये sin n पाई पे जीरो होता है। तो अभी sin इनवर्स ले लेंगे तो kx इज इक्वल टू n पाई,
यहाँ से x कितना आएगा, n पाई बाई k, तो k क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा, तो चलो इसको आप 2 पाई बाई लैम्डा डाल दो तो ये हो जाएगा n पाई 2 पाई बाई लैम्डा, पाई पाई कैंसिल, ये हो गया n लैम्डा बाई 2। तो ये देखो यार ये इसका मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज है x के जहां पर जो एम्पलीट्यूड है यानी r जो है उस पार्टिकल का वो जीरो है, यानी कुछ पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट पे हैं, यानी इधर से आने वाला वेव, इधर से आने वाला वेव टाइम के साथ इस तरह सुपरपोज कर रहा है, यानी हर टाइम पे इस तरह सुपरपोज कर रहा है कि कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर रहे हैं। यानी आप ये मान लो कि अगर किसी टाइम पे, तो यहाँ से एक पॉइंट ले लो आप, n को 1 डाल दो तो कितना आएगा लैम्डा बाई 2, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर इस वाले वेव का जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा आने वाले का उतना ही नेगेटिव होगा, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। अगर इतना डिस्प्लेसमेंट है तो इसका इतना ही होगा, ताकि नेट कितना उधर जीरो हो, इतना है इसका तो इसका इतना होगा जीरो, दोनों जीरो तो दोनों जीरो, दोनों प्लस है तो माइनस है, इसका प्लस तो इसका माइनस, तो ये हमेशा जो है इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो। वेव ये भी इधर का वेव क्या है, ट्रैवलिंग वेव, इधर का वेव क्या है, ट्रैवलिंग वेव, लेकिन जो उसका रिजल्टेंट बना है वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है, वो स्टैंडिंग वेव है। यानी उसमें हमें कौन सा वेव दिखेगा, ना हमें वाई वन दिखेगा ना हमें वाई टू दिखेगा, हमें स्पेस में जब ये दोनों सुपरपोज करेंगे किसी स्ट्रिंग में हमें तो सिर्फ ये दिखेगा, यानी हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे जो परमानेंटली रेस्ट में, देयर परमानेंटली एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे है तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगा, क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, वो पार्टिकल ऑसिलेट तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट पे है और वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आया, एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी दो नोड्स, ऐसे पॉइंट को नोड्स बोलते हैं, ऐसे पॉइंट क्या बोलते हैं, नोड्स या गांठ, समझ में आया, तो नोड्स बोलते हैं, तो नोड्स पे या दो नोड के बीच में एनर्जी क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, यहाँ पे कन्फाइंड एनर्जी है, दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी है वो कभी बनेगा पोटेंशियल एनर्जी, कभी ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल और काइनेटिक में वो चेंज होता रहेगा बस, उतने ही दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व, लेकिन टोटल एनर्जी कभी हो जाएगा बढ़ के पोटेंशियल, कभी बीच में आएगा सारे पार्टिकल्स तो वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, काइनेटिक। तो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जो है जो परमानेंटली रेस्ट पे, इसको हम नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक पॉइंट पे वैल्यूज क्या आएगा, एक तो जीरो, एन जीरो डालो जीरो, एन वन डालो लैम्डा बाई टू, फिर टू डालो तो लैम्डा, तो ये जो है, फिर थ्री डालो थ्री लैम्डा बाई टू, ये जो पॉइंट्स हैं मीडियम में, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, नोड्स, और किसी भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई टू, किसी भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई टू है, ठीक है, कलयुग में सब बेकार है। चलो तो देखो यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये नोड है, ठीक है, यानी ये पॉइंट परमानेंटली किस पे रहेंगे, रेस्ट पे। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सोचने वाला ये कि हम लोग इस इक्वेशन को दो पार्ट में समझ सकते हैं, एक पार्ट तो कौन सा, ये वाला पार्ट, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, ओके, और ये जो पार्ट है ये फेज वाला पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां जो फेज एंगल है, फेज एंगल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, फेज एंगल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो नोड्स के बीच में जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, यानी ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सारे एक साथ ऊपर, ऐसा ट्रैवलिंग वेव में नहीं होता, ट्रैवलिंग वेव में कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाते तो पीछे वाले नीचे आ रहे थे, या तो ऐसा मान लो कि अगर सारे पार्टिकल्स ऊपर है तो सब एक साथ नीचे आएंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे, दो नोड के बीच में
जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, एक साथ कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से तीन नोड्स लेते हैं, और तीन नोड्स मतलब दो लूप, यानी दो सेगमेंट, जीरो से लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू से लैम्डा। हम दो सेगमेंट लेंगे और दो सेगमेंट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनमें फेज डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम स्टेशनरी वेव का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये है कि कुछ पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पे हैं, इसलिए एनर्जी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। दो नोड के बीच में एनर्जी क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, ये पहला पॉइंट। और वो पोटेंशियल और काइनेटिक भी क्या होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे किसमें होंगे, एक ही फेज में होंगे, यानी एक ही साथ ऊपर जाएंगे, एक ही साथ नीचे आएंगे, समझ में, फिर एक ही साथ वापस नीचे जाएंगे, एक साथ, तो सारे एक साथ वाइब्रेट करेंगे। तो ये दो बहुत ही मतलब जबरदस्त एक इसमें है। तो अभी हम लोग दो तीन पॉइंट देते हैं। एक जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, और एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स जीरो, ये तीन पॉइंट लेते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो से लेकर लैम्डा बाई टू, राइट, तो यहां तक में हम ये देख लेंगे कि ये फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये फैक्टर आप देख लो, तो ये 2a sin kx, राइट, 2a sin kx। तो यहां पे अगर मैं कोई भी कर्व डालूंगा इसके बीच का, कोई भी, क्योंकि लैम्डा बाई टू डालूंगा, तो ये k क्या है, k का मतलब है 2 पाई बाई लैम्डा, k क्या है 2 पाई बाई लैम्डा। और x अगर मैं यहां से कोई भी पॉइंट डालूंगा, जैसे मान लो मैंने लैम्डा बाई टू डाल दिया, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये कितना आ रहा है, तो यहां से अब देख रहे 2a sin pi by 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम लोग जीरो डालेंगे तो ये जीरो आएगा, और लैम्डा बाई टू डालेंगे तो भी जीरो आएगा, तो इसके बीच का एक पॉइंट डालेंगे लैम्डा बाई फोर, तो ये आएगा पॉजिटिव। यानी यहाँ पे अगर सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, राइट, ऊपर जा रहे हैं, सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लैम्डा बाई फोर पे ये जो है टू टू जब, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू, यानी वन आ रहा है, यानी मैक्सिमम, यानी एंटी नोड इसको बोलते हैं। तो दो नोड के बीच में, ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच में क्या है, एंटी नोड, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 2a। तो ये सारे वैल्यूज क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव। अब इसके बीच में हम चेक करेंगे तो ये आएंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स एक साथ ही इधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं सेकेंड लूप में। तो जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2a sin kx में आप पुट करके देखो, तो 2a sin kx में 2a sin k, k मतलब 2 पाई बाई लैम्डा, और x का वैल्यू पुट करना है। तो अभी तो यहाँ पर राइट, अगर हमने पुट कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या चीज डालना, हमको x डालना है, कितना 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2, ना ये हमने 0 दिया है, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा, उसके बीच का पॉइंट, यानी 3 लैम्डा बाई 2 हमने लिया, तो 3 लैम्डा बाई 2 ये कैंसिल होगा, फिर लैम्डा कैंसिल, 3 पाई कितना आ जाएगा, वो माइनस 1 आ जाएगा, साइन पाई साइन 3 पाई, ये 0 आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 नहीं लेना है, 3 लैम्डा 4 लेना पड़ेगा। लैम्डा बाई टू और लैम्डा के बीच का वैल्यू मतलब 0.75 लैम्डा, 0.75 लैम्डा मतलब 3/4, तो 3 लैम्डा बाई 4, तो ये आएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 मतलब -1। तो यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स राइट एक आधे लूप में, तो दो नोड के बीच का जो एक पार्ट है उसको हम लूप कहते हैं। तो आधे लूप में तो सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब सेम फेज में, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, सबका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन सबका फेज सेम है, सबका फेज क्या है,
ओमेगा टी, तो ये सब एक साथ ऊपर जाते हैं, जिसको जितना ऊपर जाना है, ठीक है, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, सबको अलग, लेकिन सब एक साथ ऊपर जाते हैं। वही दूसरे लूप में, यानी उसके कंसेक्यूटिव जो लूप है, कंसेक्यूटिव जो सेगमेंट है, तो दो नोड के बीच का एक पार्ट उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही अगला दो नोड, यानी यहाँ से लेके ये जो नोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दूसरा सेगमेंट है। तो दूसरे सेगमेंट में सारे एक साथ नीचे जा रहे हैं, पहले सेगमेंट में सारे एक साथ ऊपर, दूसरे में सारे एक साथ नीचे, फिर अगले में सारे एक साथ ऊपर, फिर उसके अगले में सारे एक साथ नीचे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, क्योंकि ये फेज चेंज हो रहा है, तो हर पार्टिकल फेज चेंज हो रहा है, हर पार्टिकल सिस्टम कर रहा है ए साइन ओमेगा टी, तो वो फिर नीचे आएगा हर पार्टिकल, तो ये सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे, तो ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर ये बीच में पहुंच जाएंगे, ये आपको एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। ये जो स्ट्रिंग है क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट। ट्रैवलिंग वेव में कभी भी स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं दिखाई देता, ट्रैवलिंग वेव में कभी भी जो स्ट्रिंग है उस पर वो वेव ट्रैवल करता है तो अपने कभी वो स्ट्रेट नहीं दिखाई देता, लेकिन स्टेशनरी वेव में ये दो बार स्ट्रेट दिखाई देता है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये स्ट्रिंग दो बार एकदम सीधा दिखाई देता है। क्यों, ये सारे बीच में आ रहा होता है, ये भी सारे बीच में स्ट्रिंग हो गया सीधा, फिर वापस ये ऊपर और ये नीचे अगले ही नेक्स्ट मोमेंट में, एज टाइम विल चेंज, ओमेगा टी विल चेंज, फेज विल चेंज, तो ये नीचे और ये ऊपर, फिर ये नीचे आते हैं, यानी एक टाइम पीरियड में दो बार मीन पोजिशन पे आते हैं कि नहीं, तो दो बार पूरा वायर स्ट्रेट हो जाता है। तो स्टेशनरी वेव में ऐसा होता है, ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जब यहाँ पे स्टेशनरी वेव स्ट्राइक हो गया, जैसे मान लो कि ये एक वायर है, यहाँ से मैंने एक पल्स यू नो सेट कर दिया और ये वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि ये फिक्स एंड है, ये क्या है, फिक्स एंड, तो ये वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया। आपको पता है फिक्स एंड पे एम्पलीट्यूड इन्वर्ट हो जाता है ना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा है कि फिक्स एंड पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज होगा पाई का, तो जो एज अ क्रैश वहाँ टकरा है वो, या एज अ कर्व टकरा है वो एज अ क्रैश वापस आएगा, तो ये वापस आएगा और फिर इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, राइट, ये इधर से जाने वाला वेव, वो उधर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाला वेव, ये वाला। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आप जनरेट कर जा रहे हैं, यानी इधर से जाने वाला वेव भी कंटिन्यूस है, उधर से आने वाला वेव भी कंटिन्यूस है, तो पूरे स्ट्रिंग में कंटिन्यूसली इधर वाला वेव भी है, उधर जाने वाला वेव भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, टाइम के साथ चल रहा है ये ट्रैवलिंग वेव और ये ट्रैवलिंग वेव, दोनों इंडिविजुअली हैं और दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, हम लोग को स्टैंडिंग वेव दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब स्टैंडिंग वेव सेट होगा, स्टैंडिंग वेव सेट हो जाएगा, तुरंत नहीं सेट होगा, जैसे आप स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करना शुरू करोगे तो स्टैंडिंग वेव नहीं सेट होगा, जैसे ऊपर नीचे करोगे तो ट्रैवलिंग वेव पहले क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, समझ में आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जब ट्रैवल करके वो टकराएगा तो उसके बाद घूम जाएगा, फिर वो वापस आएगा। तो ये यहाँ से वेव जा रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ से वेव कंटिन्यूसली आ रहा है, ये इनका क्या चल रहा है, सुपर पोजिशन। तो तब वो दोनों वेव जो मिलकर उसके बाद वो सुपर पोजिशन चालू हो जाएगा, कब चालू होगा, रिफ्लेक्शन होते ही चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होते ही अभी दो वेव हो गए, एक आने वाला वेव एक तरह, तो धीरे धीरे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, एक एंड से यहाँ से स्टैंडिंग वेव सेट होना शुरू हो जाएगा, समझ में आपको। और जब ये वेव वहाँ तक पहुँचेगा और ये वेव यहाँ तक पहुँचेगा पूरे स्ट्रिंग में, तो पूरे स्ट्रिंग में सेट हो जाएगा, तो पूरे स्ट्रिंग में हमको स्टैंडिंग वेव दिखेगा, यानी जहाँ जहाँ क्रेस्ट फॉर्म होंगे वो सारे क्रेस्ट एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, जहाँ जहाँ ट्रफ फॉर्म होंगे वो सारे ट्रफ एक साथ नीचे जा रहे होंगे, सारे क्रेस्ट एक साथ ऊपर, एक साथ, हाँ बहुत गजब का ये सीन हो जाता है, राइट, और सारे ट्रफ एक साथ नीचे, यानी जितने क्रेस्ट हैं उनमें कोई फेस डिफरेंस नहीं, जितने ट्रॉ है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई भी क्रेस्ट और कोई भी ट्रॉ के बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ बी, यानी अब स्टैंडिंग वेव सेट हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये ए और बी में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ये एक ही लूप में, ये एक ही लूप में, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। इफ आई टेक यू नो अनदर पॉइंट सी एंड डी, तो फेज डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इज जीरो, लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया सी, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज हाउ मच,
दैट इज पाई और दैट इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। मैंने फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी भी कितना होगा? यस, ए एंड सी भी पाई और ए एंड डी भी पाई ही होगा 180 डिग्री। यानी मैं यहां पे जो है कोई भी पॉइंट ले लूं और यहां पे कोई भी पॉइंट ले लूं उसके बीच में फेज डिफरेंस होता है 180, क्योंकि वो फेज डिफरेंस x पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो फेज है पार्टिकल का, वो x पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ट्रैवलिंग वेव से थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या पूरा ही अलग है, ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट। ये पॉइंट समझ में आप लोगों? तो ये एक पॉइंट हो गया। तो अभी यहां पे देखिए कि अगर हमने एक बड़ा लूप लिया है, तो बड़ा जो लूप लिया, बड़ा स्ट्रिंग हमने ले लिया, उसमें बहुत सारे लूप्स फॉर्म हो गए, करेक्ट। तो यहाँ पे ये फिक्स है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा और फिर स्टैंडिंग वेव सेट होगा, जैसे से ये वेव आएंगी, राइट, समझ में आया। ये दोनों ट्रैवलिंग वेव है, ये दोनों कैसे वेव है? ट्रैवलिंग मतलब ये जो जो आपको जितना सॉलिड लाइन, थोड़ी देर बाद सॉलिड लाइन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग है, ये खुद क्या है, ट्रैवलिंग, समझ में आ रहा है? वो डॉटेड लाइन भी ट्रैवलिंग है, थोड़ी देर बाद वो डॉटेड लाइन भी जो है मतलब राइट, वो क्या होगा इस तरह से, मतलब वो ट्रैवलिंग वेव है, वो दोनों ट्रैवलिंग वेव क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं। हाँ, और जैसे ये देखो, ये जब आगे जाएगा, ये जब ऐसे आगे जाएगा सॉलिड लाइन, करेक्ट, ये ऐसे गया और वो जब रिफ्लेक्ट होगा वहां से, तो ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो, डॉटेड वाला कहां से रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर से, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो। तो ये नोड रहेगा हमेशा, ये क्या रहेगा, नोड, ये तो ट्रैवलिंग वेव। तो अब देखो, तो यहाँ पे हमने वो देख लिया कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिलेगा। तो फिर से आते हैं हम लोग इस पार्ट पे, एम्पलीट्यूड वाले पार्ट पे। तो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्या है, वो है 2a sin kx। तो 2a sin kx का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2a, राइट। तो वो पॉइंट जो होगा जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं एंटीनोड। तो 2a sin kx, 2a sin kx is equal to plus minus 2a, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, ये। तो ये हो जाएगा क्या, sin kx is equal to plus minus 1। अब आप एक सवाल हो सकता है कि सर इसका एम्पलीट्यूड a है इधर वाले वेव का, और इधर से आने वाले वेव का भी एम्पलीट्यूड a है, हाँ, और ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, इसका एम्पलीट्यूड 2a है। इसमें एक ऐसा पॉइंट है, हर दो नोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसको एंटीनोड बोलते हैं, बस उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और उसके साइड वाले का 2a से कम है, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बीच वाला 2a ऊपर जाके नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा आपको, उसका एम्पलीट्यूड, उसका सचर वो 2a से, उसका एम्पलीट्यूड है वो 2a है। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आप निकाल लो, तो साइन के एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है, पाई बाई 2 होता है, और ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यानी 2n प्लस 1, तो साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब पे साइन पाई बाई 2 कितना मिलेगा, 1, या आप नेगेटिव में गए तो माइनस 1, या फिर साइन 3 पाई बाई 2 कितना मिलेगा आपको, माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से आपको मिल गया के एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये हो गया k कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा, k कितना होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां से आप देख लो x कितना मिल गया, आपको x मिल गया है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, है ना, ये 2 नीचे आएगा, ये 4 होगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, इसमें आप पुट करके देखो n इक्वल टू 0, तो पहला आएगा लैम्डा बाई 4, आप ध्यान से देखो लैम्डा बाई 4 मिड पॉइंट है, दो नोड के बीच का मिड पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये नोड है, ये नोड है, ये था x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 4 दोनों का मिड पॉइंट है, तो उस लैम्डा बाई 4 पे बन रहा है एंटी नोड, क्या बन रहा है, एंटी नोड, यानी ये ऐसा जा रहा है,
यहाँ का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड है 2a, तो ये एंटी नोड, समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सारे पार्टिकल्स ऊपर उठ रहे हैं टाइम के साथ साथ, फिर और टाइम बीता और ऊपर उठ रहे हैं, है ना, फेज चेंज हो रहा है ना, फेज चेंज हो रहा है, तो ऐसे चल कर रहे हैं भाई, ऐसे चल मतलब ये थोड़ा कि हमेशा एम्पलीट्यूड करें, ऐसे चल मतलब क्या है भाई, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे एम्पलीट्यूड तक पहुंचेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड तक पहुंचेंगे, ऐसा ही होगा, तो यहाँ से ये और ऊपर उठेंगे, तो ये सारे एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये वाला, ये उठेगा 2a तक, ये कहां से जाएगा 2a, तो उसको बोलते हैं एंटी नोड, उसको क्या बोलते हैं एंटी नोड, ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, तो लैम्डा बाय 4 इसका क्या आएगा 3 लैम्डा बाय 4 क्या आएगा, तो अभी आप देखो यहां पे ये x = 0 x = लैम्डा बाय 2 और x = लैम्डा, मैंने तीन नोड ले लिए, तो ये जो तीन नोड है ये तीन नोड के बीच के एंटी नोड्स है, यहाँ का एंटी नोड कब आ रहा है x equal to lambda by 4, दोनों का मिड पॉइंट, और ये दोनों का मिड पॉइंट क्या है 3 lambda 4, यहाँ पे एंटी नोड आ रहा है, यानी हर दो नोड के बीच में क्या आएगा एक एंटी नोड आएगा, समझ में आपको, कंपलसरी होना ही, ठीक है, हर दो नोड के बीच में क्या आएगा एंटी नोड आएगा, ये पॉइंट समझ में आपको, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, 7 lambda 4, so on, ये सारे जो ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाय 4 के, ऐसे हर पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक एंटी नोड मिल, तो अगर अभी हम लोगों ने ऐसा किया कि इक्वेशन उल्टे देंगे, हाँ, कुछ कुछ पे आपको क्या मिलेगा, मतलब ऐसा मिलेगा कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, यानी पहले ओमेगा टी, हमने कहा था स्टार्ट किया था पहले के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस सी, ठीक है, तो अभी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, दे विल फॉर्म स्टेशनरी वेव, ये तो पक्का है, लेकिन बस एक स्मॉल चेंज आएगा, ये हो जाएगा, अब इसको कर लो ए कॉमन लेके साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका 2a cos kx into sin omega t, बस इतना अंतर आएगा, यानी पहले ये किस क्या आया था 2a sin kx cos omega t, यानी पहले ये आया था 2a sin kx cos omega t, अब ये क्या है 2a cos kx sin omega t, ये भी स्टैंडिंग वेव है, ये भी क्या है स्टैंडिंग वेव, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ये आएगा कि नोड और एंटी नोड जो है उनके पोजीशंस एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं, तो अभी ये वाला स्टैंडिंग वेव लेके देखते हैं, ठीक है, तो अब नोड्स का फॉर्म होंगे, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, तो कौन सा पार्ट है एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, और ये क्या है फेज वाला पार्ट है, राइट, यानी एकदम ऐसे चल का इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है एग्जैक्टली एसएचएम का इक्वेशन, तो यहाँ पे भी जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, हर एक्स का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, हर पॉइंट का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, यानी एग्जैक्टली वही जो हमने पहले डिस्कस किया, तो ये एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, यानी 2a cos kx ये कब जीरो होगा, तो cos kx इज इक्वल टू जीरो कब होता है, cos पाई बाई टू पे होता है, 3 पाई बाई टू पे होता है, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई टू, तो 2n प्लस 1 पाई बाई टू cos ऑफ 2n plus 1 pi by 2, तो kx is equal to 2n plus 1 pi by 2, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले एंटी नोड्स बन रहे थे वो अब बनेंगे नोड्स, यानी 2 pi by lambda into x is equal to 2n plus 1 lambda pi by 2, तो ये pi और pi cancel हो गया, x आ गया 2n plus 1 lambda by 4, ये जो पोजीशन आ रही है किसके लिए आए, ये पोजीशन आया इसके लिए नोट्स के लिए, लेकिन पहले यही पोजीशन इसके लिए आया था, एंटी नोड के पास इतना ही हुआ है, अभी भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है, अभी भी दो नोड